फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और नए मजेदार वीडियो में। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप एनिमल फर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इस लॉयन का स्केच जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यार आपको इस फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप एनिमल फर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले टूल्स बता देता हूँ हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो कोई भी ब्रांड की आप ग्रेफाइट पेंसिल ले सकते हैं, और दूसरा टॉम्बो 10 इरेजर, और तीसरा है आपका ब्लेंडिंग ब्रश। और सबसे पहले तो हमें HB पेंसिल लेनी है, और फर्स्ट लेयर हमें दे देनी है। हम लेयर्स उस हिसाब से देंगे जहाँ तक हमारा प्रोसेस जाता है, और हमें फर्स्ट लेयर HB पेंसिल देनी है और विदाउट एनी प्रेशर, एकदम हल्के हाथ से हमें देनी है। कोई प्रेशर नहीं लगाना पेंसिल पे, अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो अच्छे से इरेज भी नहीं हो पाएगा और वो शाइन करेगा, जो कि हमारे ड्राइंग में अच्छा नहीं लगता। तो विदाउट प्रेशर आपको HB पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाने हैं, और आपको डार्क और लाइट दोनों स्ट्रोक्स लगाने हैं उस हिसाब से। और हमें ड्राइंग में लेयरिंग तब तक करनी होगी जब तक हमारी रियल वैल्यू नहीं आ जाती जो हमें पिक में दिख रही है। और टू लेयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं कर रहा हूँ हाइलाइट्स टॉम्बो होने का यूज़ करके, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। और हाइलाइट करने के बाद अब मैं थोड़ी सी एक फाइनर टचिंग दे दे रहा हूँ ऊपर से, अगर ज़्यादा हाईलाइट हो गए हों तो। और उसके बाद हमें 4B पेंसिल लेके 4B या 2B पेंसिल लेके थर्ड लेयर अपनी करनी है। और आईज़ में भी वही सेम प्रोसेस है। लेयरिंग स्केच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लेयरिंग अगर आप देंगे तो इफ़ेक्ट आते हैं, और विदाउट लेयरिंग आपकी ड्राइंग में शाइन आ जाती है और अच्छा नहीं लगता, इरेज भी नहीं हो पाता जब अगर आपसे गलती हो, और बाद में अगर आपको वो एरिया इरेज करना है तो इतनी ईजिली नहीं हो पाएगी। इसलिए लेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्केच में, और हमारे स्केच को और अच्छा बनाने में भी हेल्प करती है। और यहाँ पे अगेन मैं वही प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक बेस लेयर दे रहा हूँ HB पेंसिल से, और उसमें डार्क और लाइट वैलीज दोनों को ऑप्ट कर रहा हूँ, एकदम हल्के प्रेशर से, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाया है। और फिर उसको बाद में मैं ब्रश से ब्लेंड कर दूंगा, और उसके बाद मैं उस पर हाईलाइट्स करूंगा, और फिर से मैं दूसरी लेयर दूंगा 2B से या फिर HB से ही, और फिर उसको ब्लेंड करके और उस पर हाईलाइट दूंगा, और फिर लास्ट लेयर मैं दूंगा 4B पेंसिल से। अगर तब भी रिजल्ट नहीं आ पाया वो, तो मैं और लेयर्स दूंगा या फिर और हाईलाइट्स दूंगा, तो उस हिसाब से हमारा जो रिज़ल्ट है वो और अच्छा आएगा। और हमें हमेशा ऐसा नहीं करना पड़ता कि हर लेयर्स के बाद हमें हाईलाइट्स देनी पड़ रही हैं, वो कुछ कुछ जगह पे होता है, वो हमें हमारी ड्राइंग देख के ही पता चलता है। जो अभी मैं नीचे की हेयर्स ड्रॉ करूँगा उसमें तो और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लगभग 5 से 6 लेयर्स तो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है। जो हेयर की हेयर से जो मैंने सबसे पहले बनाए थे
वो उसके बराबर है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है, तो उसमें मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे की। और आई के नीचे वाले पार्ट में लगभग मुझे 3 to 4 लेयर्स तो करनी पड़ गई, क्योंकि वो भी डार्क था, और एज मैंने विदाउट प्रेशर सारी लेयर्स किए हैं तो 3 to 4 तो बहुत कम लेयर्स हैं उस हिसाब से। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि आपको सारी लेयर्स विदाउट प्रेशर ही करनी है, सिर्फ फर्स्ट लेयर आपको विदाउट प्रेशर नहीं करनी, सारी करनी है, वरना फिर शाइन आने लगेगा। मुझसे कहीं कहीं पे ये गलती हो गई और आइस पे हो गई है ये गलती, और आपको देखने को मिल रहा हो कि आइस पे हल्की हल्की शाइन आ रही है, तो वो अच्छा ही लगता है ड्राइंग में। और इस ड्राइंग को मैंने इंडेंटिंग से फ्री बनाया है, बस कुछ जगह पे इंडेंटिंग का यूज़ किया और मैंने किसी जगह पे इंडेंटिंग का यूज़ नहीं किया। अगर मैं इंडेंटिंग का यूज़ करता तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता, बट मैं इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग रखा है। और ये स्केच मैंने विकास सर की वीडियो से देखा था, वीके आर्ट बॉक्स, और आपको डिस्क्रिप्शन में इस इमेज की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यूज करने जा रहा हूँ इंडेंटेशन मेथड मुस्टैचेस के लिए, और इस वीडियो में मैं सिर्फ मुस्टैचेस के लिए इंडेंटेशन मेथड को यूज करूंगा। आप देख सकते हैं ये जो आपको व्हाइट व्हाइट हेयर लाइंस दिख रही हैं, इसी के लिए। और आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि इंडेंटेशन मेथड क्या होता है, मैंने उसमें बता रखा है। और आप देख सकते हैं कि इंडेंटेशन के बाद मैं वही मेथड को रिपीट कर रहा हूँ विदाउट प्रेशर, बिना प्रेशर के मैं एच बी पेंसिल से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। बस इस जगह मैं हल्का सा और प्रेशर डाल रहा हूँ, बस हल्का सा प्रेशर डालना है, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, जितना इसमें पता नहीं चलेगा। और वैसे ही डार्क और लाइट स्ट्रोक्स दोनों देने हैं, और इसमें एक इसमें हर लेयर करने के बाद हाईलाइट्स करने हैं, वरना फिर अच्छे से लास्ट में हाईलाइट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग होने वाली है, 5 to 6 लेयर्स तो आराम से होंगी इसमें। अब मैंने एक बार फिर से ब्लेंड किया, और अब मैं एक बार फिर से हाईलाइट्स कर रहा हूँ, और उसके ऊपर से फिर मैं सेकेंड लेयर करूँगा और फिर ब्लेंड। ये प्रोसेस को मुझे रिपीट करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक मेरी रियल वैल्यू नहीं आ जाती जो मुझे रेफरेंस इमेज में दिख रही है। स्किन या एनिमल फर्स होते हैं, आपको उनको अच्छे से ऑब्जर्व करके बनाना होता है, और अच्छे से आपको टाइम देना होगा। अगर आप टाइम देके नहीं बनाएंगे, जल्दबाजी में बना देंगे, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का लगा, फाइनल नहीं जो मैंने इस वीडियो में बनाया उतना रिजल्ट। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि इस पिक्चर में शाइन नहीं कर रही है डार्क जगह, क्योंकि मैंने लेयरिंग की है, और मैंने जैसा कि पहले बता चुका हूँ मैं कि लेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्केच में। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अब आप लोग से मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।